खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ऑप्शन डी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 की मध्यरात्रि 14-15 अगस्त को प्रसिद्ध भाषण दिया था, इस भाषण का नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों को बृहद राजस्थान में विलय करवाया था। जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर इनका विलय करवाया था। मानव का दंत सूत्र वयस्क मानव का 2-1-2-3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2-1-2-3। कथन फर्स्ट और सेकंड। पहला कथन, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा, पहला रक्त संचरण विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर लैंडस्टीनर ये गलत है, विलियम हार्वे द्वारा दिया गया था। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.HF2 सही है। मिलान सही नहीं है ये बताना है। बैंकिंग सोडा NaHCO3 ये भी सही है। वाशिंग सोडा Na2CO3 सही है। ब्लीचिंग पाउडर सही नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaClO का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल आया है, केवल गलत है। ये सभी के लिए है इसलिए ऑप्शन गलत है दूसरा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट, यानी पहला सही और दूसरा गलत। ये सभी को विज्ञान के बारे में बताना है, कार्य का उद्देश्य। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता थे, 2023 के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। कैग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है, ये गलत है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो प्रक्रिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लगती है उसी के अनुसार हटाया जाता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा। संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ना कि उसके अनुमोदन पर। तीसरा ऑप्शन, कैग का वेतन और भत्ते भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं, तो ये समेकित निधि भी गलत है, इसके लिए आएगा संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं,
ये भी गलत है। डी, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है ए। तो यहाँ देखिए कौन सा सही हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बी सी डी ये गलत हो, गलत है लेखा परीक्षक के लिए। इसमें हमें शुद्ध शब्दों को पहचानना है, शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो पहला वृश्चिक, ये सही है। प्राणायाम, ये गलत है। ब्रह्म, ये भी गलत है। और संगीत, ये भी गलत है, यानी कि बड़ी की मात्रा आएगी संगीत। और निष्क्रमण, ये सही है। तो ए और ई सही है, तो ए और ई सही है, ऑप्शन ए। पत्र लेखन की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। पत्र लेखन कला की विशेषता है स्पष्टता है, सरलता है, और क्लिष्टता नहीं है, दुरह भी नहीं है, संक्षिप्तता है। तो ए बी ई ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। 343 यानी 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत में कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु यह अरिचल मुनई, ऑप्शन ए। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मेरा शहर मेरी पहचान ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 शुरू किया था। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वां स्थान पाता है, ऑप्शन डी। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की थी। तो 2024 की मेज़बानी किसने की थी प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट की, तो वो राज्य था गोवा, ऑप्शन ए। विषम का चयन करना है, ग्रीस, फ्रांस, कोरिया, पोलैंड। तो यहाँ पर ग्रीस, फ्रांस और पोलैंड ये यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, तीनों के तीनों यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, और जबकि कोरिया ये एशिया महाद्वीप में है, ये एशिया महाद्वीप में है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड कोरिया, कोरिया राइट आंसर होगा। यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी एवं सी को ई लिखा जाता है, तो इस कोड में कंपनीज को कैसे लिखा जाएगा। तो कंपनीज को लिखेंगे हम वर्ण को हटा करके चेंज करेंगे, तो ऑप्शन बी बन के आएगा, ऑप्शन बी 19 का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष। तो कथन में क्या दे रखा है, कोई भी सेब केला नहीं है, तो कोई भी सेब केला नहीं है, तो मैं इसको सबको अलग अलग कर देता हूँ। ये कह रहा है कि कोई भी सेब केला नहीं है, तो सेब को मैंने ऐसे लिखा, ये सेब और एक केला, कोई भी सेब केला नहीं अलग अलग कर दिया। फिर कुछ केले अंगूर नहीं है, तो कुछ केले, तो केले ये रियर अंगूर, ये अंगूर, कुछ केले अंगूर नहीं है, थोड़े केले अंगूर है। अब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष में पहला है कोई भी सेब अंगूर है, यानी कोई भी सेब अंगूर है, अलग अलग है, इसका कोई पता नहीं है कि भी नहीं है, तो पहला भी अनुसरण गलत सा लग रहा है।
क्लियर नहीं है। दूसरा, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है, यानी सभी सेब अंगूर है तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी सेब अंगूर है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें अगर सभी है तो कुछ केले भी अंगूर है तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड इसका अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी, दादी मतलब दादी की पुत्री, दादी की पुत्री बुआ और बुआ का इकलौता भाई क्या हुआ, पिता, पिता को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया, तो पिताजी को हराया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पांच दोस्त, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। तो सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से थोड़ा बड़ा है, मोहन का कद सबसे लंबा है। इस तरह से इसको सेट करते हैं, सेट करने के बाद हमें प्राप्त होगा ए ऑप्शन, यानी कमल का कद इसमें ऑप्शन में सही आएगा, यानी बड़े से दूसरे नंबर पर है कमल। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर इन सभी में देखा जाए तो सब में एम ए दोनों में है, फिर टी आता है और जी, फिर तीनों में जी है, तो जी से के बाद में आता है टी, तो ये जो पहला है ये चौथे नंबर पे चला जाएगा। फिर बचे तीन, तीनन में जी दोनों में समान है, आई है, आई और बाकी में एन है, दोनों में एन है, तो ये आ जाएगा हमारा पहले नंबर पे डी। अब दोनों में देखते हैं कि एम ए जी एन ई और एम ए जी एन आई, तो ई एफ जी एच आई, तो ई पहले आता है, तो दोनों में से ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर और ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। अब प्रश्न में पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पर आएगा मैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो ये हो जाएगा सी, सी डी बी ए, सी डी बी ए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो यह आदर्श नहीं होता ऐसी स्थिति में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। दूसरा, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ, कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत हुई, स्टोरेज स्पेस के आकार पर इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा होता है एम बी, फिर वो उससे छोटा के वी, फिर बाइट और निवल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परम, परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रामगंज मंडी,
जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान के किस शहर के पास में स्थित है? तो कोटा के पास में स्थित है। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोटा। राजस्थान का वह जिला जो 2022-23 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो वो है श्री गंगानगर जिला, ऑप्शन सी। राजस्थान का ऐसा कौन सा उद्योग है जो खेती पर आधारित नहीं है? लोहा नहीं है खेती पर आधारित, दाल कपास चावल ये खेती पर आधारित है। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों के में बृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? सम्मेलन हुआ प्रांतीय सम्मेलन 1928 में, इसको प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में बृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये शब्द भगत सिंह ने नहीं कहे, महात्मा गांधी ने नहीं कहे, मोतीलाल नेहरू ने नहीं कहे, तो जे एल नेहरू नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस इसमें हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस पक्का नहीं है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनवाई गई थी? किसके द्वारा सन 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था? वो थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा बनाया गया था। इसके चित्र को थॉमस जोन्स बारकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी। सेवण, धमण और करात, यह घास के प्रकार है, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द विदेशी है? निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, तूफान एक विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। बिजली का पर्यायवाची है चंचला, ऑप्शन सी। भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे, ये भी सही है, विरुद्ध थे। दूसरा, शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे छोटे देशों में बंट जाता, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल बल्लभ नगर उदयपुर में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेला को हराया था? 1182 में हराया था, ऑप्शन डी। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बावड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अब ये इंग्लिश से क्वेश्चन आ गए। इन द सेंटेंस गिवन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड चूजिंग द मोस्ट सूटेबल आइटम फ्रॉम द ऑब्जेक्शन द ऑप्शन बिलो। ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। तो इसका सही हो जाएगा फॉर नो रिदम और रीजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज। इसका आंसर होगा पोलाइट एंड ब्रीफ, ऑप्शन बी। फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इन द एंड इन इंग्लिश फॉर्म द ऑप्शन बिलो। असमर्थनीय को बोलेंगे अनस्टैंडेबल, अनस्टैंडेबल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इनका मिलान करना है। सवाई जयसिंह की छतरी गैटोर में, मूसी रानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में और सेठों की छतरी रामगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही होगा। बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है गबरीबाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बागड़ की मीरा गबरीबाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत हुआ था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हुआ था। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और सूचना जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। माउथपीस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सोशल मीडिया माध्यम नहीं है, कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड सोशल मीडिया का माध्यम नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फेसबुक, ब्लॉगिंग और ट्विटर ये सोशल मीडिया के साधन हैं। भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी। कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, वो कौन थी। तो वो थी कल्पना चावला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो चना एक रबी की फसल है, सर्दी के मौसम में बोई जाती है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। नहीं, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। वह कर जो राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता, आयकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरपेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया था। तो वो किया था लॉर्ड मॉरले, लॉर्ड मॉरले ऑप्शन डी। कथन एक, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। तो पहला ऑप्शन गलत है,
दूसरा सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दो यानी पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आनंद मग्न का समास विग्रह होगा, आनंद में डूबा हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रतीक में हुआ है, प्रतिकार में हुआ है, प्रत्यक्ष में हुआ है। प्रसार प्रयोग में नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डी ई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। नदी है सुबनसिरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुबनसिरी। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र में जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है वो कहलाता है बस, बस कहलाता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बस। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो खलकड़ी माता डंकी मेला शुरू किया गया था चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, ये किया था जानकी लाल भांड ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। विकल्प दिए हुए हैं इनका, पहला ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, तो 5 जुलाई को नहीं हुआ था, 4 जुलाई को था, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को यह पारित हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा यह अधिनियम माउंट बेटन की योजना पर आधारित था, यह भी सही। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की थी, ये भी सही है। अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्ड आउल सम्मान से सुसज्जित किया था? भारत द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जीवाश्म पार्क है अकालवुड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की शहरिया जनजाति के बारे में
सही नहीं है। पहला ऑप्शन, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, कोतवाल। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापड़ नहीं है, कोतवाल कहते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन, माई सिस्टर बेक्ड ए केक, ए केक वाज बेक्ड बाय माई सिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरन सर्विसेज एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, ही इज ए पॉलीग्लॉट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें सी रिमार्क्ड दैट सी फ्लैट एनी यल्ड विथ हिम फॉर हिज लेक ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम। ऑप्शन डी आएगा सर, फ्लैट। राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं, कपास और तंबाकू। ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। ऑप्शन डी। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? श्री गंगानगर को खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 वर्ष से लागू की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर जिले में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डिपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा, डिपुटेशन का होगा प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि पहचाननी है, हवन सामग्री जल गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हवन सामग्री जल गई। अंधा होना मुहावरे का अर्थ विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी। छात्रों का एक समूह लाइन में खड़ा है, दोनों किनारे से एक छात्र 19वें क्रम पर खड़ा है। छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? तो यहाँ पर 18 दूनी 36 और 137। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विषम का चयन करना है, संकलित संचित करना, एकत्र करना, तितर बितर करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तीनों में संचय करना है और इसमें अलग अलग करना है। एक आयत की परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखते हैं, परिमाप 90 है तो 90 का हम कर देते हैं 2:1 में बांट देते हैं तो 60-30 हो जाता है। 60-30 को जब हम आधा आधा करते हैं लंबाई निकालने के लिए तो 30 और 15 हो जाता है, और 30 और 15 को जब हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आएगा, तो 15 × 45 यानी 450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ए प्लस बी की आय हो जाएगी कुल औसत था, तो औसत को हम दुगुना कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। फिर बीसी की कुल आय हो जाएगी 55 × 2 करेंगे तो 11,000 आ जाएगा कुल आय, और एसी की कुल आय हो जाएगी 5250 है, तो 5250 को करेंगे तो 10,500 हो जाएगा। अब इस पूरी आय को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारे पास में क्या आता है, एक इनको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये 2a + 2b + 2c बराबर हो जाएगा
33,500, 33,500 हम भाग दे देते हैं 2 का, कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त अब 16,700 आता है ए बी सी का कुल राशि। अगर हम बी सी की कुल राशि को घटा देंगे तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा, तो बी सी कितना 11,000, तो 11,000 को 16,700 में से घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा ए बराबर प्राप्त हो जाएगा 5,700 रुपये। तो यहाँ पर 2 × 5 = 10 और आएगा 16,750 रुपये थे। अब 16,750 में से बी सी घटा दें 11,000 को तो हमारे पास में 5,750 रुपये बचेंगे, तो हमारे पास में बचेंगे 5,750 रुपये। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,750 रुपये। ए अपने मित्र से 31 दिसंबर 2011 को 2,000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान करेगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, तो बी को कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर 1 साल के लिए लेता है लेकिन वो 6 महीने में वापस लौटा देता है, तो साधारण ब्याज से 1 साल का ब्याज हो जाएगा 8 × 16 यानी 160 रुपये, तो उसका ब्याज हो जाता है। अब आधे साल का कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 8 × 16 यानी कि 80 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा 6 महीने का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 रुपये। क्वेश्चन है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो माना आय कितनी है, 100 इकाई है। अब 100 इकाई है तो वह अपनी आय का, तो इसमें 100 रुपये हम उसकी आय मानते हैं कुल आय, और ये खर्च करता है 80%, तो खर्च हो गया, खर्च हुआ 80 इकाई, 80% का 80 इकाई, और इसकी बचत हो जाएगी, बचत 20% है, 20 इकाई उसकी बचत हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है, उसकी आय 14% बढ़ जाती है, तो हम इसका 14% में वृद्धि करते हैं, तो 100 में 14% और जोड़ देते हैं तो हमारे 114 रुपये उसकी आय हो जाती है, और बचत 15% घट जाती है, तो 20 का 15% लेस कर देते हैं हम 15%, यहाँ पर 20 का 15% निकालते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है 3%, तो 3% की इसमें कमी हो जाती है, तो हमारे पास में 20 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 17% प्राप्त होती है, 17 इकाई प्राप्त होती है कमी 17 की। अब सवाल पूछ रहा है, हमें बचत दिखा रहा कि 17 इकाई और आय दिखा रखी 114 इकाई। अब कह रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम इसका खर्च निकालते हैं, 114 में से 17 घटाते हैं, अब ये क्या 97 इकाई खर्च कर रहा है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई खर्च में, तो 90 में से हम 97 में से 80 घटा देंगे और इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर 17 इकाई की खर्च में वृद्धि हुई, अब इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो यहाँ पर हम 17/80 × 100 यानी कि 17
परसेंट निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता 21.25%। 21.25% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 21.25% इसमें वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो यहाँ पर जीमेल, मेल कोई ब्राउज़र नहीं है, ये मेल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? कोरचोरस कैप्सुलारिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरचोरस कैप्सुलारिस। भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ हुई थी? 1985 और 90 के दशक में, राइट आंसर हो जाएगा 1985-90, ऑप्शन ए। राजस्थान पूरे देश में निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन, चाय, चावल, गेहूं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता ऊन का, ऑप्शन ए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? राणा प्रताप सागर बांध का उपयोग सिंचाई और विद्युत दोनों के लिए किया जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। कौन सा भारत में बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? यहाँ पर खादी और ग्राम उद्योग ये लघु श्रेणी के उद्योग हैं। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पादन का 4.9% रहने का अनुमान है, 4.9%, ऑप्शन बी। भारत सरकार ने 1991 वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था, 1991 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? खाद्यान्न वितरण की है भारतीय खाद्य निगम की, ऑप्शन डी। यहाँ पर विलोम शब्द बनाना है, यानी कि एंटोनोमी। तो एंशियंट का विलोम शब्द क्या होगा? एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, तो मॉडर्न मतलब होगा नवीन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच बताना है, रिपोर्टेड स्पीच। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो इसका होगा रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस आईडी दुआ थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता 3 वर्ष, और 3 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है अगर उसकी उम्र 70 वर्ष हो जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी राइट आंसर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन ए। अरावली श्रृंखला के शिखरों में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? ये झालावाड़ क्षेत्र में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर अंक को बताना है, यहाँ पर हम इनका अंतर निकालते हैं तो 15, 13, 11 और यहाँ पर 9 आ जाएगा,
तो 21 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में 12 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 रीजनिंग का है और यहाँ पर इसका आंसर लगाना उचित नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रतीक और अक्षरों को दर्शाया गया है, इसके लिए उपयुक्त व्यंजक हो जाएगा 15C, 15F, 8C, 4B, 6C और 3। ये इसके लिए उचित होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है, ऑप्शन सी। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। रणे जगत जगपतरा मराशा की शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, ये महाराजा जगत सिंह, ऑप्शन डी। राणे जगपत राम मराशा की के शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी पंक्ति, ये महाराजा जगत सिंह के लिए लिखी गई थी। कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सी कथन सही है? कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है लच्छीराम। फिर चांद नीलगिरी, राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, ये भी सही है। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला यानी कि इसको थिएटर में संपन्न नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इस ख्याल में ढोलक सारंगी सेनाई यानी इस ख्याल में नगाड़ा ढोलक और हारमोनियम का उपयोग किया जाता है, सारंगी का नहीं होता, सहनाई का नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अश्वगंधा की जड़ों से दवाइयाँ तैयार की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्राकृतिक रबड़ किसका पॉलीमर है? यह आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन डी। बाईफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, ऑप्शन डी। इंग्लिश से क्वेश्चन है, अब इसमें क्या आएगा? प्लीज गेट मी एन अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मानसून आर अप्रोचिंग, ऑप्शन वी। नेक्स्ट, आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज यानी कि ग्लोट गेट के बंद होने से पहले ही मैं पहुंच गया था, तो ऑप्शन डी। इसमें मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जेनरस का, एस्ट्रीम, ओनर का, रेडिकुलस, एफ शॉर्ड का, अचीव, एक्योप्लिस का, कैरिस्टेबल। आगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम, ऑप्शन बी। जिस वाक्य में बह यह तब तो आदि लुप्त हो तो वहाँ किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर अल्प विराम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ई का उच्चारण स्थल तालु है, तो दोनों ही सही हो जाएगा, कथन ए इसका राइट आंसर होगा।
अब इसमें देखना, यदि कैट को 48 हो तो माउस के बराबर क्या होगा? तो कैट में देखते हैं हम सी का कितना है 3 नंबर, प्लस ए का कितना 1, और टी का है 20। दोनों को जो तीनों को जोड़ते हैं आता हमारे पास में 24, और 24 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 48 आ जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो एम का 5, ओ का 13, यू का 15, एस का 19 क्रम है और ई का 21 क्रम है। इनको जोड़ने के बाद हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 146 आएगा, 73 आएगा जोड़ने पर। 73 को 2 से गुणा करेंगे 146। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर के 10 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से ये हो जाएगा यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वह संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? स्थलाकृति। ऑप्शन डी। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन क्षेत्र से उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, तो यही गलत है। ऑप्शन बी बाकी सही है। ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित तो होती रहती है। किस राज्य में दुधवा जल प्रपात स्थित है? उड़ीसा में है दुधवा जल प्रपात। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके इनके उस इन क्वेश्चनों के उत्तर देने। 129, व्हाट मेक केस स्ट्रेस? तो व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वाट इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट वे टू मैनेज स्ट्रेस? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम टू बी ऑन योर टोज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। राइट आंसर होगा वी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। ऑप्शन वी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रोनियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं है, यूआईडी नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजपोर्ट है, ऑडियो एनालिटिक्स है, राजस्व खुफिया और विश्लेषण है। हाल ही में किस भारतीय का चयन हुआ था स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए? तो ये थे अशोक शुक्ला। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, यदि एम से एन समानुपातिक हो एवं एम बराबर 5 जबकि एन बराबर 4 हो तो एन बराबर 20 हो, तब एम का मूल्य ज्ञात करो। तो एम का मूल्य हो जाएगा 25। 137, तो इसको हल करने पर हमें 216 मीटर घन मीटर प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गुण संधि बतानी है तो सत्येंद्र में यण संधि, स्वेच्छा में
गुण संधि, प्रत्यक्ष में यण संधि और न्यून में यण संधि और वितेषण बी प्लस ईषण तो यहां पर बी और डी। गुण संधि बतानी, गुण संधि है सत्य प्लस इंद्र तो सत्येंद्र स्वेच्छा, ए और बी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से दो शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन करना, पर्वत पहाड़, पेड़, पर्वत को हम पहाड़ भी कह सकते हैं तो पेड़ को हम झाड़ियाँ भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी राइट आंसर। किस बजट वर्ष में से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया, 2017-18 में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में ST, SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की सरकार ने 60% से बढ़ा करके 77% कर दिया। कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया गया हो, अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, तो यही गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। रानीगंज, झरिया, टाटा पानी और हिमगिरी गोंडवाना रचना की मुख्य कोयला खाने हैं। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है। कथक कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो खैर से प्राप्त किया जाता है, खैर पेड़ से, ऑप्शन ए। 49वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे CET के पूरे कंप्लीट 150 प्रश्न। तो ये थे 150 प्रश्न। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। CET का ऐसा पेपर आया था 27 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, इसका पेपर कोड है A15। इसमें सारे क्वेश्चन आपको
शुरू से क्रम वाइज से पूरे कराए हैं, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके और जो भी है वो सब पूरा पेपर इस तरह का है। क्वेश्चन पेपर में 1/3 नंबर काटे जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो। सारे प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ऐसा नियम इसमें बताया है।